ऐसी स्कॉलरशिप्स जो कि आपकी पढ़ाई का पूरा खर्चा निकाल सकती हैं, उनके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आस्था एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ जोश मनी। जब भी हम हायर स्टडीज में एडमिशन का सोचते हैं तो कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के साथ ही साथ हम सब स्कॉलरशिप भी ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए ऐसी कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं जो कि भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं। तो हमारी पहली स्कॉलरशिप गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाने वाली स्कॉलरशिप योजना है, जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि हायर एजुकेशन पाना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से काफी दिक्कत में है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन स्कॉलरशिप के बारे में। अब इस स्कॉलरशिप के जरिए फाइनेंशियली बैकवर्ड स्टूडेंट्स अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। हर साल ऑलमोस्ट 82,000 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को ईयरली 12,000 रुपए और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को ईयरली 20,000 रुपए की स्कॉलरशिप जो है वो दी जाती है। अब इस स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को थोड़ा सा जान लेते हैं। ये हायर सेकेंडरी या फिर क्लास 12th के रिजल्ट्स के बेसिस पर दिया जाता है। इसमें 50% सीट्स गर्ल्स के लिए है और 50% सीट्स बॉयज के लिए रिजर्व होती है। इसके साथ ही साथ 12th बोर्ड में 80% से ज्यादा मार्क्स लाने पर ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और वही स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे जिनकी एनुअल फैमिली इनकम 4.5 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं दूसरी स्कॉलरशिप के बारे में। हमारी दूसरी स्कॉलरशिप की शुरुआत खास तौर पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स के लिए हुई थी। ये स्कॉलरशिप हर साल 10,000 स्टूडेंट्स को दी जाती है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ ईशान उदय स्कॉलरशिप की। चलिए जानते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इसके लिए वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो किसी भी यूजीसी अप्रूव कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहे हों। अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स की फैमिली इनकम 4.5 लाख सालाना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जनरल डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स को हर महीने 5400 रुपीज और प्रोफेशनल डिग्री जैसे कि टेक्निकल या फिर मेडिकल कोर्सेज करने वाले स्टूडेंट्स को 7800 रुपीज मंथली दिए जाते हैं। इसके लिए अप्लाई हर साल 31st अक्टूबर से पहले करना होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली स्कॉलरशिप के बारे में। अब जो ये वाली स्कॉलरशिप है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी यूजी में फर्स्ट या फिर सेकंड रैंक आई हो और वो पीजी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ पीजी स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर्स। चलिए जानते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी यूजी में फर्स्ट या फिर सेकंड रैंक आई हो सिर्फ वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूजी में मार्क्स मिनिमम 60% होने चाहिए और अप्लाई करने के टाइम पर स्टूडेंट की एज 30 इयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। स्कॉलरशिप में सिलेक्ट हुए स्टूडेंट्स को 2 साल तक हर महीने 3100 रुपीज दिए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं हमारी नेक्स्ट स्कॉलरशिप के बारे में। इस लिस्ट में हमारी नेक्स्ट स्कॉलरशिप है पीजी स्कॉलरशिप फॉर एससी एसटी स्टूडेंट्स। जैसे कि नाम से भी समझ आता है ये स्कॉलरशिप बेसिकली प्रोफेशनल पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले एससी या फिर एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को दी जाती है। इसमें एमई या फिर एमटेक कर रहे स्टूडेंट्स को हर महीने 7800 रुपीज जो है वो दिए जाते हैं। अब बात करते हैं अगली स्कॉलरशिप की। अब ये स्कॉलरशिप ऐसे गर्ल स्टूडेंट्स को दी जाती है जो कि अपने पेरेंट्स की सिंगल गर्ल चाइल्ड हो। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ पीजी इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। ये स्कॉलरशिप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले उन लड़कियों के लिए है जो कि अपने पेरेंट्स की सिंगल चाइल्ड होती है। लड़कियों की एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हर साल 1000 लड़कियों को ये स्कॉलरशिप दिया जाता है। इसमें हर साल सिलेक्टेड स्कॉलर्स को 36,200 रुपीज दिए जाते हैं। अब जानते हैं इसके एलिजिबिलिटी के बारे में। स्टूडेंट्स की एज 30 इयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ रेगुलर कोर्स में एडमिशन होना चाहिए। डिस्टेंट कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 31st अक्टूबर 2022 है। इसके साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में इनके रेलेवेंट लिंक्स जो है वो भी मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने बात की है उन 5 गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स की जिसमें कि स्टूडेंट्स अप्लाई करके अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल सकते हैं। आप भी किस कॉलेज में हैं और कौन से कोर्सेज कर रहे हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए मैं आस्था चलती हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।